हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतिभा। मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड क्रम्स बनाने की रेसिपी, जिसमें हम बिना ओवन के या बिना तवे में रोस्ट करके ये ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। एकदम वाइट ब्रेड क्रम्स बनेंगे और ज्यादातर ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल हम किसी रेसिपी भी पसंद स्नैक्स आए को तो वीडियो को कुरकुरा लाइक बनाने के शेयर लिए जरूर करते हैं। कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैं ये ब्रेड क्रम्स व्हाइट ब्रेड से बना रही हूँ, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर लगभग 8 ब्रेड ली हुई है, ब्रेड की स्लाइस ली हुई है। ब्रेड अगर 2-3 दिन की पुरानी हो तो भी चलेगा, या आप ताजी ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो एजेज हैं जो डार्क कलर के, उन्हें हमें निकाल देना है। इससे क्या होगा कि जो हमारे ब्रेड क्रम्स बनेंगे वो एकदम से व्हाइट बनेंगे। बट आप चाहें तो इसे एजेज सहित भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट मैं इसे एकदम व्हाइट बनाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं एजेज को निकाल दूंगी और इसे हम किसी दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसके एजेज निकाल दिए हुए हैं। इसी तरह से हम सभी ब्रेड के एजेज को निकाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो ब्रेड है उन्हें इस तरीके से इनके एजेज हटा लिया हुआ है और इन्हें हम एक प्लेट में रख देंगे। और ये जो ब्रेड हैं इन्हें हम एक मिक्सर के जार में डालेंगे। तो इस तरीके से बस अनइवन तरीके से तोड़ के आपको इसमें डाल देना है। मैं यहाँ पर ये 7-8 ब्रेड का बना रही हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा बना करके भी इसे स्टोर कर सकते हैं, या अगर आपको ज़रूरत हो तो आप फ्रेश बना करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से अब हम ढक्कन बंद करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेना है। तो लगभग आधा से 1 मिनट का टाइम लगेगा इसको ग्राइंड करने में, ये और अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। तो एक बार खोल के चेक कर लें, दोबारा फिर से इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड, जब आपको लगे कि अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं तो आपको फिर इसके बाद ग्राइंड नहीं करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया हुआ है और ये अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। बस इससे ज़्यादा हमें इसे ग्राइंड नहीं करना है। तो इसे हम एक प्लेट या थाली में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने ब्रेड को, आपने देखा कि मैंने टोस्ट भी नहीं किया हुआ है या ओवन में भी नहीं टोस्ट किया हुआ है। तो ये हमारे एकदम फ्रेश ताजे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हैं। बट अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो या तो आप इसे पंखे की हवा में 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, या आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं। इससे आपके ब्रेड क्रम्स का कलर भी नहीं खराब होगा। नॉर्मली जब हम ब्रेड क्रम्स को रोस्ट करके बनाते हैं तो उनका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, और जब हम इसे किसी स्नैक्स में यूज करते हैं तो वो फिर से भुनता है उसकी ऊपरी लेयर, तो और ज्यादा डार्क हो जाता है। तो इसलिए मुझे ये तरीका सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है ब्रेड क्रम्स बनाने का। तो ये हमारा जो ब्रेड क्रम्स है बनके तैयार है। इसे हम धूप में छोड़ देंगे 24 घंटे के लिए, और इसके बाद जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो किसी कंटेनर में भर करके हम इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये था मेरा ब्रेड क्रम्स बनाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।